मामला है। सबसे पहले हेडलाइंस रिपोर्ट कर रहे हैं राणा खुरम शहजाद। डीसी फैसलाबाद इमरान हामिद का तारीखी गांव गंगापुर का दौरा। तारीखी और सकाफती घोड़ा ट्रेन की बहाली के लिए फौरी काम शुरू करवाने की यकीन दहानी। सर गंगाराम की तारीखी हवेली के लिए 80 लाख रुपए का फंड देने का ऐलान किया। डीसी फैसलाबाद इमरान हामिद ने जड़ावाला के इलाका बचियाना के नवाही और तारीखी गाँव गंगापुर का दौरा किया। सकाफती घोड़ा ट्रेन की बहाली के लिए दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने विजिट करते हुए कहा कि घोड़ा ट्रेन इलाके की सकाफत और विरसा है, इसको बहाल करने के लिए इसी हफ्ते इंतजामात किए जाएंगे और इसको बहाल करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी ताकि फैसलाबाद की सकाफत फिर से बहाल हो सके। उन्होंने सर गंगाराम की तारीखी हवेली तामीर मरम्मत और देखभाल के लिए 80 लाख रुपए की रकम का ऐलान किया और इसी हफ्ते से काम शुरू करने का हुक्म जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि घोड़ा ट्रेन की पटरी पर जो भी लोगों ने नाजायज तजावुजात करके काबिज हैं, इनकी कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि आइंदा इस सकाफत को बेहतर तरीके से बहाल रखा जाए। इलाका मकीनों का भी कहना है कि घोड़ा ट्रेन की बहाली एक खुश आयंद अमर है जिसकी हमें अशद जरूरत है, क्योंकि ये एक सकाफत और आरामदेह सस्ता और मयारी सफर है। ये जो घोड़ा ट्रेन अनोखी सवारी जिसके बारे में आप देख भी रहे हैं, ये कभी हमारे गांव की शान हुआ करती थी, बात से फख्र थी। आज यही घोड़ा ट्रेन हमारे गांव के लिए बात से शर्मिंदगी है। बाहर से जो ये विज़िट किया गया है, इसका प्राइमरी पर्पज़ यही था कि ये जो हमारी हेरिटेज है सर गंगा राम के हवाले से, उसके अंदर ये जो हॉर्स ट्रैम है, अनोखी सवारी इसको कहते थे, आज उनकी हवेली भी हम लोग विज़िट कर रहे हैं। इस सिलसिले में गवर्नमेंट ने एक तो इस हवेली की रेनोवेशन के लिए 80 लाख रुपए का जो काम है वो जल्द शुरू होने वाला है।